तो दोस्तों चंबल फर्टिलाइजर ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। डाटा क्रोज में है, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5385 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 8296 करोड़, अभी देखें तो गिर के मात्र 4348 करोड़ के आसपास आपको देखना है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो रेवेन्यू है उसके अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखना है। जी हाँ, बड़ी गिरावट है, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं वहाँ पे 48% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 19% के आसपास की गिरावट। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो बड़े लार्ज अमाउंट में आपको गिरता हुआ देखने मिला है। हालांकि सारे केमिकल फर्टिलाइजर वाली कंपनी का यही हाल है, लेकिन यहाँ पर भी देखें तो कंपनी के जो रेवेन्यू है एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है, 4348 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर 4686 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे 7% कम कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4894 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 7824 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3835 करोड़ के आसपास आपको देखने मिलते। कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में कंट्रोल किए गए हैं और उसके पीछे का एकमात्र रीजन है वो है कंपनी का इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को 31 करोड़ का फायदा हुआ है जबकि पिछले साल 2000 करोड़ का लॉस लगा था, अब पिछले क्वार्टर में भी 1500 करोड़ का लॉस लगा था। इन्वेंट्री की वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको कम देखने मिला। अगर इन्वेंट्री में कंपनी ने कुछ पैसे गवाए होते तो शायद कंपनी आपको घाटे में भी जाते हुए आपको देखने को मिल जाती, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 380 करोड़ के आसपास है, पिछले क्वार्टर में 380 करोड़ के आसपास, पिछले साल 323 करोड़, अभी देखें तो 460 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने मिला। साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को, अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास का जंप है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को, वहां पर भी देखिए तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 21% के आसपास का जंप आपको देखने को। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो तो किया है 460 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जबकि मार्केट का अनुमान था 402 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से बेहतर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 9.15 रुपये के आसपास, पिछले साल 7.80 रुपये, अभी देखें तो 11 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिल रहे, रिवेन्यू वाइज मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था कंपनी का उससे थोड़े से कम जो देखने को मिला। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि इन्वेंट्री में कंपनी ने कुछ पैसे बचाए, इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।